अप्रैल 2008 GTA 4 की रिलीज के टाइम रॉकस्टार गेम्स ने नेक्स्ट GTA की डेवलपमेंट के लिए हरी झंडी दिखा दी और अगले 5 सालों तक 1000 से भी ज्यादा लोगों ने दिन रात काम किया टू मेक द गेम जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सेलिंग एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना और आज की डेट में वो सेकंड बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम है ऑन दिस प्लेनेट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ GTA 5 की एंड उसकी 10th एनिवर्सरी के मौके पे। आइए जानते हैं GTA 5 की कहानी। रॉकस्टार के ग्रीड की वजह से गेम का नाम काफी खराब हुआ है पिछले कुछ सालों में, बट उसके 10 साल पूरे होने की खुशी में आइए जानते हैं लेगेसी ऑफ GTA 5, क्योंकि ये वो गेम था जिसने बेंचमार्क सेट कर दिया था फॉर मेनी गेम्स टू कम इन द कमिंग इयर्स। GTA 4 की रिलीज के बाद रॉकस्टार नॉर्थ की 360 लोगों की टीम के साथ दुनिया भर के रॉकस्टार गेम स्टूडियोज लग गए थे इस इम्पॉसिबल टास्क को करने, जो था GTA 5 बनाना। यूज किया जा रहा था रेज, यानी कि रॉकस्टार एडवांस गेम इंजन, जिसको गेम बनाने के लिए ओवरऑल किया गया। इससे ड्रॉ डिस्टेंसेज इंप्रूव हुए, रेंडरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ी और एनिमेशन एंड फिजिक्स के लिए यूफोरिया और बुलेट इंजन का यूज हुआ। डैन हाउजर ने बताया कि GTA 4 को बनाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आई थी बिकॉज उन्हें एक बिल्कुल नए हार्डवेयर के साथ वर्क करना पड़ रहा था, जो था PS3। बट अब क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका था, इसलिए PS3 और Xbox 360 का पुराना हार्डवेयर ही उन्हें सही लगा GTA 5 की डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला काम था ओपन वर्ल्ड बनाना। GTA 4 में न्यूयॉर्क के बाद इस बार सेटिंग चूज करी गई सदर्न कैलिफोर्निया और लॉस एंजेलिस की, जिसका नाम गेम में सैन एंड्रियास और लॉस सैंटोस रखा गया है। GTA सैन एंड्रियास में सिमिलर सेटिंग थी, बट उसमें 3 मेन सिटीज हुआ करती थी और बीच में विलेज एरिया था। बट इस बार 3 सिटीज नहीं डाली गई, क्योंकि जिस स्केल पे वो गेम बनाना चाहते थे उस स्केल पे वो 3 सिटीज अच्छे से नहीं दिखा पाते। एंड साथ ही वो लॉस एंजेलिस की अर्बन सेटिंग दिखाना चाहते थे कि वो जगह एक्चुअली में कैसी है, कैसी फील होती है। इसलिए मेन फोकस लॉस सैंटोस पे ही दिया गया ताकि उसका ट्रू पोर्ट्रियल हो सके, बिकॉज GTA सैन एंड्रियास के टाइम बहुत लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से उसका लॉस सैंटोस मानो ऐसा लगता था कि बस कुछ बिल्डिंग्स हैं, पेडेस्ट्रियंस रैंडमली वॉक करे जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि बस एक सिटी बनाएंगे, बट बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, सो दैट उसको बिल्कुल रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे किया जा सके। अब सेटिंग डिसाइडेड थी तो बारी आती है रिसर्च की, जो डैन हाउजर के वर्ड्स में सबसे मुश्किल काम था। उनकी टीम लॉस एंजेलिस में कई बार गई, 2.5 लाख से ज्यादा फोटोज खींची गई, घंटों की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करी, टीम वहां पे अंडरकवर FBI एजेंट से मिली, माफिया एक्सपर्ट से मिली एंड इवन प्रिजंस के अंदर स्ट्रीट गैंगस्टर से भी मिली, जो वहां के लोकल स्लैंग्स जानते थे। लॉस एंजेलिस की डॉक्यूमेंट्रीज और गूगल मैप्स एंड स्ट्रीट व्यू से यकीनन काफी ज्यादा हेल्प मिली टीम को। फिर जितना भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया उसको एक बहुत ही छोटे मैप में कंडेंस कर दिया गया, ताकि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ट्रैवल न करना पड़े एंड वो पूरे लॉस एंजेलिस की फील को एक्सपीरियंस भी कर पाए। इसलिए हम देख सकते हैं कि सबसे नीचे एक तरफ सी पोर्ट और एयरपोर्ट है, देन घेटो का एरिया आ जाता है जहाँ पे गैंग्स होती है, फिर एकदम से सिटी सेंटर आ जाता है जहाँ बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिसके ऊपर पॉश इलाका आ जाता है एंड फिर कंट्री साइड शुरू हो जाती है और उधर साइड में बीच चल रहा है पूरा। मैप का साइज निकल के आया 130 स्क्वायर किलोमीटर, जो सिर्फ 1/8 था ओरिजिनल लॉस एंजेलिस काउंटी का, बट स्टिल इतना बड़ा था कि सैन एंड्रियास, RDR और GTA 4 तीनों के मैप फिट हो जाए उसमें। अब मैप का साइज पिछले गेम से बड़ा था, इसलिए वो एयरक्राफ्ट्स को भी रीइंट्रोड्यूस कर पाए जो GTA 4 में नहीं थे, क्योंकि अब प्लेयर्स मैप को एक्सप्लोर कर पाते। एंड लेस्ली बेंजीज ने भी कहा कि कंट्री साइड खाली नहीं लगनी चाहिए GTA सैन एंड्रियास की तरह, इसलिए उसमें वाइल्ड लाइफ डाल दी गई और ट्रेवर का स्टार्टिंग पॉइंट भी कंट्री साइड से ही रखा। गेम के डेवलपर्स GTA 5 के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे, क्योंकि सीरीज में पहली बार 3 प्रोटैगनिस्ट एक साथ आते, 3 मेन कैरेक्टर्स होते जिनकी स्टोरी सेपरेटली बताई जाती एंड डर था कि कहीं ये डिसीजन बैकफायर न कर जाए। तो इसलिए GTA 4 से उन्होंने जो सीखा था कि कैरेक्टर्स की स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड कर दो, वैसे ही कुछ GTA 5 में उन्होंने करने का सोचा। भले ही हमें GTA सैन एंड्रियास की स्टोरी सबसे अच्छी लगती हो, लेकिन डैन हाउजर के अकॉर्डिंग GTA 5 की स्टोरी सबसे स्ट्रॉन्ग है बिकॉज उसमें 3 बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स की लाइफ एक दूसरे से जुड़ जाती है एंड हम प्लेयर्स स्टोरी को तीनों के पर्सपेक्टिव से विटनेस कर पाते हैं। एंड ये बात तो सच है कि जब भी तीनों कैरेक्टर्स एक फ्रेम में आते थे तो सबसे ज्यादा एक्शन और सबसे ज्यादा फन होता था। अब ये टाइम था 2007 और 8 का, जब दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट क्रैश हुआ था, जिसमें 80 लाख करोड़ रुपए वर्ल्ड की इकोनॉमी से 2 साल के अंदर खत्म हो गया था। कभी अपने पेरेंट्स से पूछना कि वो कितना डिफिकल्ट टाइम था। सो उसी को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट रखते हुए डेवलपर्स ने स्टोरी सोची, इसमें कैरेक्टर क्राइम लाइफ में वापस आएंगे ताकि पैसा कमा सके। GTA 4 में 3 लीफ क्लोवर मिशन गेमर्स को बहुत पसंद आया, जो एक्चुअली एक बैंक हाइस्ट थी, इसलिए इस बार गेम की कंप्लीट स्टोरी ही टोटल 6 हाइस्ट के अराउंड सेट करी गई। अब 3 कैरेक्टर जो सोचे गए थे वो थे माइकल डिसेंटा, फ्रैंकलिन क्लिंटन एंड ट्रेवर फिलिप्स। हर कैरेक्टर एक डिफरेंट टाइप का है। माइकल ग्रीड को दिखाता है, फ्रैंकलिन एम्बिशन को और ट्रेवर इंसैनिटी या फिर क्रेजीनेस को। इवन माइकल और ट्रेवर का कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट थे बिल्कुल, जहां माइकल भले ही क्रिमिनल है बट बीच बीच में थोड़े बहुत अच्छे काम करने के बारे में भी सोचता है, बट दूसरी तरफ ट्रेवर प्योर मेनियक है जो हिपोक्रेट नहीं है और इसलिए अच्छा बनने का नाटक भी नहीं करता। अब माइकल के कैरेक्टर के लिए नेट ड्यूक को अप्रोच किया गया, वो स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं थे क्योंकि एक वीडियो गेम था, बट जब उन्होंने अपना रोल पढ़ा तो उसमें इतने इंटरेस्टेड हो गए कि उन्होंने कहा कि मेरे अलावा ये रोल कोई करेगा ही नहीं। स्टीवन ऑग, जिन्हें ट्रेवर के रोल के लिए चूज किया गया था, उनके और ल्यूक के बीच ऑडिशन से ये काफी अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी, जो गेम में भी अच्छे से दिखी एंड इसलिए उन दोनों को ये वो रोल मिला बिकॉज दे वर परफेक्ट फॉर इट। उधर शॉन फंटेनो को फ्रैंकलिन का रोल दिया गया, जो DJ पुणे पिच किया था, जो गेम के म्यूजिक प्रोडक्शन पे वर्क कर रहे थे। वैसे फन फैक्ट, इन एक्टर्स को बताया नहीं गया था कि वो GTA के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद पता चला। फिर स्टार्ट होती है गेम के लिए मोशन कैप्चर, जो एक्टर्स के वर्ड्स में किसी टीवी या फिल्म सीरीज से कम नहीं थी। भले उन्होंने कैप्चर सूट्स पहन रखे थे बट उनके मूवमेंट
मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन सब रिकॉर्ड करे गए। नेट ल्यूक ने 11 किलो वजन बढ़ाया ताकि वो माइकल जैसे लग सके, और उधर स्टीवन तो कभी कभी इंटरव्यू में शूट करते थे ताकि ट्रेवर के जैसी फील कर सके। उनके अकॉर्डिंग उन्हें एक मेनियक को दिखाना था, बट स्टिल ऑडियंस उसे हेट ना करे बल्कि उसकी फैन हो जाए, जो सबसे मुश्किल काम था। बाकी शॉन तो बचपन से ही ड्रग्स एंड गैंग्स के बीच बड़े हुए थे, इसलिए उनके और फ्रैंकलिन के बीच काफी सिमिलैरिटीज थी। अब तीन प्रोटैगनिस्ट के साथ गेम प्ले में बहुत फ्रीडम मिली, बिकॉज एक ही मिशन में प्लेयर तीनों के बीच में स्विच कर सकता है, जो अलग लोकेशन पे बैठे हैं और अलग टाइप का वेपन यूज कर रहे हैं। उसके अलावा इतने बड़े मैप में ट्रैवल करने से बचने के लिए प्लेयर डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं और दूसरे कोने में पहुंच सकते हैं मैप के। RDR से इंस्पिरेशन लेके डायनेमिक मिशंस डाले गए, मतलब प्लेयर्स को रैंडम मिशंस मिलेंगे ओपन वर्ल्ड में, जो वो चाहे तो कर भी सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। शूटिंग एंड ड्राइविंग के लिए GTA 4, RDR और Max Payne 3 से मिले ऑडियंस रिएक्शन से सीखा गया। GTA 4 की तरह एम लॉक नहीं होता बल्कि फ्री रहता है, एंड हाउजर के अकॉर्डिंग ड्राइविंग को रेसिंग गेम्स जैसा रखा गया, ना कि GTA 4 की बोट जैसी ड्राइविंग जैसा। RDR के कवर सिस्टम को इम्प्रूव करके इसमें डाला गया जो ज्यादा इमर्सिव था। GTA सीरीज में पहली बार एक ओरिजिनल म्यूजिक भी आने वाला था, इससे पहले के गेम्स में बस म्यूजिक को लाइसेंस किया जाता था, बट इस बार उन्होंने फैसला किया खुद का म्यूजिक बनाने का, जिसकी जिम्मेदारी द एल्केमिस्ट, ओनो, टेंजरीन ड्रीम और वुडी जैक्सन को सौंपी गई। इनमें से कुछ लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे एक वीडियो गेम के लिए काम करने के लिए, लेकिन जब उनको स्टूडियो दिखाया एंड उन्होंने देखा कि यार गेम फुल सिनेमैटिक होने वाले, तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट आ गया। कई साल लगे उन्हें 20 घंटे से ऊपर का स्कोर बनाने के लिए, जो मिशन और गेम प्ले में सुनाई पड़ता है, एंड बाकी का म्यूजिक उन्होंने लाइसेंस किया दूसरे आर्टिस्ट से, जो कि कैलिफोर्निया की फील देते हैं। अब जैसे आज के टाइम GTA 6 के इतने लीक्स आते हैं, हर कोई उसकी बात करता रहता है, बिल्कुल वैसे ही GTA 5 के टाइम भी था, जहां स्ट्रॉ ज़ेलनिक अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालते थे रिलेटेड टू द गेम, एंड लोग अंदाजा लगा रहे होते थे यार गेम कब आएगा थ्रू जॉब लिस्टिंग्स या फिर वेरियस लीक्स एंड र्यूमर्स। बस फर्क इतना था कि तब इंटरनेट का स्केल अलग था एंड अब अलग है। उस टाइम पे गेम के म्यूजिक एंड डायलॉग्स लीक हो गए थे एंड रिलीज डेट्स भी लीक हो जाती थी। उस टाइम पे भी रॉकस्टार कहता था कि वो डिसअपॉइंटेड है अबाउट द लीक्स। 25th अक्टूबर 2011 वो दिन था जब गेम को ऑफिशियली अनाउंस किया गया, जिसके बाद हर कोई बस गेम की बात कर रहा था। फिर रॉकस्टार स्लोली डिटेल्स रिवील करता था एंड उधर टीम गेम पे काम करती रहती थी। इसको मल्टीपल डिलेस का सामना करना पड़ा एंड 25th अगस्त 2013 को जाके गेम की डेवलपमेंट पूरी हुई, जिसके बाद उसकी डिस्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए गई एंड 17th सितंबर 2013 को फाइनली गेम PS3, Xbox 360 के लिए रिलीज हुआ। लोगों ने गेम खरीदने के लिए ना दुकानों के बाहर एक रात पहले से लाइन लगानी शुरू कर दी, जिसके लिए उन्हें कॉलेजेस एंड ऑफिसेज से छुट्टी लेनी पड़ी, और हर कोई कहता था कि यार बीमार हूं नहीं आ पाऊंगा, तो उस बीमारी को GTA 5 फ्लू नाम दिया गया। इवन इंडिया में भी गेम स्टोर्स के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई थी, वो भी आधी रात को। रिलीज होते ही गेम ने एक नहीं दो नहीं 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे। गेम फर्स्ट 24 आवर्स में बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम और हाईएस्ट ग्रोसिंग वीडियो गेम और बेस्ट सेलिंग एक्शन एडवेंचर गेम बन गया था, और साथ में हाईएस्ट ग्रोसिंग एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट भी बना। सिर्फ 3 दिन के अंदर $1 बिलियन कमा के वो फास्टेस्ट वीडियो गेम और फास्टेस्ट एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट टू रीच $1 बिलियन भी बना। इवन उसका ट्रेलर भी मोस्ट व्यूड एक्शन एडवेंचर गेम का ट्रेलर था ऑन यूट्यूब। उधर एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि गेम को बनाने में $265 मिलियन का खर्चा आया होगा, मतलब कि ये उस टाइम का मोस्ट एक्सपेंसिव गेम था। ऑलमोस्ट सभी मीडिया से इसे 9 out of 10 या फिर 10 out of 10 की रेटिंग मिली, जबकि मेटाक्रिटिक पे इसे 97 out of 100 का स्कोर मिला। गेम को कई गेम ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिले एंड कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया, फॉर बेस्ट कैरेक्टर्स, मल्टीप्लेयर, टेक्नोलॉजिकल मार्वल, इंजीनियरिंग, इमर्सिवनेस एंड वॉट नॉट। इवन रॉकस्टार नॉर्थ एंड रॉकस्टार गेम्स को भी कई अवार्ड्स मिले। रिलीज के 2 हफ्ते बाद ही GTA ऑनलाइन को भी रिलीज किया गया, जिसे स्टार्टिंग में काफी बैकलैश मिला ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज एंड टेक्निकल डिफिकल्टीज। ऑलमोस्ट 1 साल एंड बहुत सारे पैच अपडेट्स लगे इसको फिक्स करने में, एंड आज की डेट में यही गेम को चलाने वाला मेन इंजन है। 2014 में गेम का एनहांस वर्जन रिलीज करा गया, जिसमें फर्स्ट पर्सन मोड, एनहांस ग्राफिक्स एंड टेक्सचर्स, अपग्रेडेड वेदर, इंक्रीज ड्रॉ डिस्टेंस एंड न्यू वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन थे। 2015 में फाइनली PC वर्जन रिलीज किया गया विद 4K 60fps का सपोर्ट। साथ ही रॉकस्टार एडिटर एंड डायरेक्टर मोड भी डाला गया टू क्रिएट मशीनिमास। उधर GTA ऑनलाइन में सीरीज ऑफ अपडेट्स आ रहे थे, शार्क कार्ड्स एंड लेटर ऑन GTA प्लस की सब्सक्रिप्शन से गेम का रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा था। 2022 में गेम को लेटेस्ट जन कंसोल्स के लिए रिलीज किया गया विद रे ट्रेसिंग सपोर्ट। बहुत से जर्नलिस्ट मानते हैं कि GTA 5 वन ऑफ द बिगेस्ट गेम था 7 जनरेशन कंसोल्स, एंड इसने 8th जनरेशन कंसोल्स के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया था। गेम को एक विक्ट्री, एक अचीवमेंट बताया गया फॉर गेमर्स एंड द होल गेमिंग इंडस्ट्री। इसे टॉप 25 गेम्स ऑफ ऑल टाइम, टॉप 100 गेम्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में रखा गया, जहां से 2 या फिर 3 की रैंक दी जाती थी। रॉकस्टार नॉर्थ की तारीफ करते हुए कहा गया कि किसी स्टूडियो ने कभी इतना डेयरिंग ओपन वर्ल्ड गेम बनाने की कोशिश भी नहीं करी होगी। रिलीज के 2 साल बाद ये 2015 का मोस्ट ट्वीटेड गेम था। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग गेम की 185 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है, विच मेक्स इट सेकंड बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ ऑल टाइम, एंड इसकी सेल्स से कंपनी ने $7.7 बिलियन का रेवेन्यू कमाया है। बट ये सब छोड़ो, अरे 10 साल हो गए हैं, बट आज भी अगर कोई गेमर फर्स्ट टाइम PC बिल्ड करता है तो सबसे पहले पूछता है कि क्या ये GTA 5 चला पाएगा, जो इनफ है इसकी लेगेसी को बताने के लिए। हाँ, कंट्रोवर्सीज काफी रही हैं, ग्रीड काफी रहा है, एंड नेक्स्ट GTA की एंटीसिपेशन में इसके लिए हेटरेड भी काफी बढ़ी है, पर स्टिल GTA 5 वो गेम है जो हमेशा याद रखा जाएगा इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम। एंड यही था मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट इस गेम को। हाँ, रॉकस्टार गेम्स तो बस GTA Online में इसके लिए टी-शर्ट्स एंड वेपन स्किन्स डाल रहा है, बट मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बननी चाहिए इस गेम पे एक ट्रिब्यूट के लिए।
अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।